मकर संक्रांति का त्योहार आते आते प्रतिबंधित नायलॉन मांजे की बिक्री के मामलों में इजाफा हो जाता है। इसी चीज की रोकथाम के उद्देश्य से क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के दस्ते ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 2 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनवार ने अधिक जानकारी साझा की। प्रशासन द्वारा प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने कुछ विशेष प्रकार के मांजे की खरीदी बिक्री जारी रखी है। ऐसे में शहर पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की ओर से भी निरंतर कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत उन्होंने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 2 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच यूनिट 3 को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने गणेशपेट, पांच बावली, नंदनवन और सक्करदरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इलाकों से आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रदीप रायनवार ने अधिक जानकारी साझा की। नागपूर शहरामध्ये पतंग उडवण्यासाठी नायलॉन मांजाचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो आणि त्यामुळे यापूर्वी काही दुर्घटना घडलेल्या आहेत। त्या पार्श्वभूमीवर माननीय पोलीस आयुक्त श्री अमितेश कुमार सर यांनी तसेच DCP डिटेक्शन सर यांनी नायलॉन मांजा जवळ बळगणारे, विक्री करणारे किंवा त्याचा वापर करणारे यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर कारवाई करण्याचे आदेश दिलेले आहेत आणि त्याप्रमाणे गुन्हे शाखेकडून कारवाई होत आहे। काल गुन्हे शाखा युनिट 3 पथकास मिळालेल्या माहितीनुसार एकूण 6 कारवाई केलेली आहे। त्याच्यामध्ये पोलीस स्टेशन गणेशपेठ, पाच पावली, नंदनवन आणि सक्करदरा या पोलीस स्टेशनमध्ये प्रत्येकी 1 गुन्हा दाखल केलेला आहे व पोलीस स्टेशन तहसीलमध्ये 2 गुन्हे दाखल केलेले आहेत। एकूण 6 आरोपींना अटक केलेली आहे आणि 6 आरोपींकडून सुमारे 2 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। गेल्या 25 दिवसामध्ये गुन्हे शाखेकडून 29 गुन्हे दाखल केलेले आहेत व जवळपास 19 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केलेला आहे। बता दे की बीते 25 दिनों में क्राइम ब्रांच यूनिट 3 की ओर से निरंतर नायलॉन मांजे के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है, जिसके तहत उन्होंने अब तक 30 शिकायतें दर्ज कर करीब 19 लाख का मुद्देमाल जब्त किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा टवा BCN न्यूज़ नागपुर।